हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे एक इशू के बारे में और ये बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है। इशू ये है कि बहुत से लोग हैं, उनको ऐसा लगता है कि मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन जो रिज़ल्ट है ना वो उतना अच्छा आ नहीं रहा है। उनको ऐसा लगता है कि काबिलियत तो बहुत है लेकिन जो रिज़ल्ट है ना, जो हकीकत है ना, वो कुछ और ही बोलते हैं। आज हम लोग समझेंगे कि जो लोग हाईली सक्सेसफुल हैं, विराट कोहली, MS धोनी, आमिर खान, ये लोग ऐसा क्या करते हैं कि ये लोग इतने ज़्यादा बड़ी सक्सेस को, सफलता को, नेम, फेम, पावर को अट्रैक्ट कर पाते हैं। और हम लोग मेहनत तो हम लोग भी करते हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी हम लोग का प्रोफेशन वर्क है, लेकिन हम क्यों नहीं वहाँ तक पहुँच सकते हैं? और क्या ऐसी कोई स्ट्रेटजी है जो अगर आप जान लें, जो अगर आप प्रैक्टिस कर लें, तो उतनी बड़ी सफलता आपकी ज़िंदगी का भी हिस्सा हो सकता है? सो हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक राठौर, ऑथर एंड न्यूरोसाइकोलॉजी एक्सपर्ट। आज का हमारा टॉपिक है कि वो क्या स्ट्रेटजी है, वो क्या माइंडसेट है, वो क्या स्किल है, वो क्या पाथवे है जिसको हम लोग फॉलो करके लीजेंडरी सक्सेस प्रोड्यूस कर सकते हैं, मैसिव वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, जस्ट लाइक विराट कोहली, MS धोनी, आमिर खान, या देयर आर सो मेनी सक्सेसफुल पीपल। सो ये तीन स्टेप का प्रोसेस है जो कि आपको फॉलो करना है। स्टेप नंबर वन, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ क्लैरिटी। आप जो भी कर रहे हो ना, आपको पता होना चाहिए कि वो आप क्यों कर रहे हो। आपको अपना वाई क्लियर होना चाहिए, आपको क्लियर होना चाहिए कि क्या, क्यों, कैसे बात की बात है। जैसे अगर विराट क्रिकेट खेल रहा है तो विराट को पता है कि वाई ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। MS धोनी क्रिकेट खेल रहा है तो उसे पता है कि वाई ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। आमिर खान अगर एक्टिंग में है तो क्लास 12th के बाद ही वो अपने आप को ढूंढ लेता है कि नहीं, ये मेरा पैशन है, ये मेरी हॉबी है, ये मुझे करना है, और अपने आप को पूरा उसमें उड़ेल देता है, तब जाके इतनी बड़ी सक्सेस आती है। सो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। आपको अपने आप को ढूंढना है, आपको अपने आप को जानना है, आपको अपने आप को समझना है बियॉन्ड योर ग्रेजुएशन डिग्री। जो हमारी जो ग्रेजुएशन की डिग्री या पढ़ाई होती है ना, वो अब उसको आप देखो कि क्या वो आपको एम्पावर कर पा रही है या नहीं कर रही है। बहुत लोगों के साथ मैंने देखा है कि वो अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई को ना अपनी हथकड़ी बना लेते हैं, अपना बैरियर बना लेते हैं कि अब तो मैंने ये डिग्री की है, अब तो मैं यही कर सकता हूँ। ये सब चीज़ें 21वीं सदी में स्टुपिडिटी है। ट्राई टू ओवरकम दीज थिंग्स। सो स्टेप नंबर वन, लॉ ऑफ क्लैरिटी। यू शुड नो व्हाट यू हैव टू डू, व्हाई यू हैव टू डू, ताकि आपके ब्रेन के हर सेल, आपके बॉडी का हर सेल आपको सपोर्ट करे, तब जाके मैसिव सक्सेस आती है। सो दिस इज स्टेप नंबर वन। स्टेप नंबर टू, अपना वन थिंग फाइंड आउट करें, अपना वन डायरेक्शन, अपना वन गोल, अपना वन थिंग फाइंड आउट करें कि वो क्या एक आउटकम है जो आपको अचीव करना है, वो क्या एक गोल है जो आपको मैनिफेस्ट करना है। सो अपना वन थिंग क्लियर रखिए और अपनी पूरी एनर्जी उस वन थिंग में उड़ेल दीजिए। जैसे विराट कोहली के लिए क्रिकेट, MS धोनी के लिए क्रिकेट, आमिर खान के लिए एक्टिंग, फिल्म, बॉलीवुड, आपको देखना है कि आप अपनी पूरी एनर्जी किस एक फील्ड में उड़ेलना चाहते हैं, पोर करना चाहते हैं। सो द वन थिंग को फॉलो कीजिए, बार बार अपना करियर डायरेक्शन चेंज मत कीजिए, कोई एक चीज़ चूज़ कीजिए और कमिट कीजिए और अपनी लाइफ की पूरी एनर्जी उसमें आप उड़ेल दीजिए, पोर कर दीजिए। दिस इज स्ट्रेटजी नंबर टू। एंड थर्ड, जो कि बहुत पावरफुल है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैजेन टेक्निक। इसमें क्या करना होता है कि जो भी आपकी क्लैरिटी है, जो भी आपका वन थिंग है, जो भी आपका गोल है, उधर की तरफ आप धीरे 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 चलना शुरू कर दें। इसके दो एलिमेंट होते हैं, दो आस्पेक्ट होते हैं। फर्स्ट, छोटे स्टेप्स लें, बड़े स्टेप लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो भी स्टेप ले रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि ये भी बड़ा है और छोटा कर दीजिए, आपको लग रहा है ये भी बड़ा है और छोटा कर दीजिए, इतना छोटा कर दीजिए कि वो आपको मोटिवेट ही करे, डिमोटिवेट कभी ना करे। सो स्टेप वन इज द स्मॉलेस्ट स्टेप एंड स्टेप नंबर टू
कि जो भी शुरू करो आप उसको कंटिन्यू रखो, आप तब तक कंटिन्यू रखो जब तक आप उसे मैनिफेस्ट ना कर लो, जब तक आप उसे अचीव ना कर लो, जब तक अपने गोल को आप पूरा ना कर लो। सो ये 3 स्टेप का प्रोसेस है। स्टेप नंबर 1 लॉ ऑफ क्लैरिटी, स्टेप नंबर 2 द वन थिंग, स्टेप नंबर 3 पावर ऑफ स्मॉल स्टेप्स, जिसको बोलते हैं कैज़ेन टेक्निक। अगर आप इन 3 स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप भी जो भी आपकी जो ड्रीम सक्सेस है, जो भी आपका जो हाईएस्ट पोटेंशियल है, आप उसको अनटैप कर पाएंगे, उसको रिलीज कर पाएंगे, उसको अपनी रियलिटी में कन्वर्ट कर पाएंगे। सो आपने इस सेशन को लास्ट तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपकी सक्सेस, ग्रोथ एंड हैप्पीनेस के लिए मैं विश, प्रे एंड एक्शन करता रहूँगा। इस सेशन का बेस्ट बेनिफिट लेने के लिए जो भी आपकी की लर्निंग है आप उसको कमेंट्स में लिखिए, ये आपके रिवीजन में आपको हेल्प करेगा और वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठेगा और आपको, आपकी थिंकिंग को, आपके एक्शन को ड्राइव करेगा। बहुत बहुत थैंक यू।